मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? नागपुर से। नागपुर, तो कौन कौन है आपके घर में? अकेली। अकेली हूँ। कौन लेकर आया है आपको? पड़ोसी। पड़ोसी कहाँ है? ये पड़ोसी, बात कराइए पड़ोसी भैया से। गुरुजी को क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण द्विवेदी। लक्ष्मी नारायण द्विवेदी। द्विवेदी, तो आप प्रभु पड़ोसी हैं मैया के? मैं हनुमान मंदिर में पुजारी हूँ गुरुजी। अच्छा, और मैं रहने वाला तो एमपी का हूँ। ये मैया आपके यहाँ रहती हैं आसपास? कौन है ये आपकी? ये उस मंदिर में हम पुजारी हैं जिस बस्ती में ये रहती है। अच्छा, उस बस्ती में ये रहती है। हाँ। तो क्या हालात है मैया के, क्या वहाँ की स्थिति है? ये मैया मंदिर में ऐसी पोछा ओछा करती थी। पोछा करती थी, झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा मंदिर में। और इनके जो इनके कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है? नहीं गुरु जी। और जो इनके बाबा जी थे वो गुर्जर गए, कुछ तबीयत बिगड़ गई थी, तो ये किराए से रहती थी माता जी। किराए से रहने के कारण इनका कुछ चल नहीं पाता था, और जो बाबा जी गुजरे थे तो सब बस्ती के लोग उनका मिल करके सब कार्यक्रम किए। फिर एक दो महीने तक किराए से रही, फिर चल नहीं पाया। इनकी बहन है, बहन ले गई थी अपने पास, एक दो महीने रखी। फिर उसके बाद ये आकर के रोज हमारे मंदिर में आकर के रोती थी कि हमारा जीवन में कोई नहीं है, इस वजह से अब हमको ऐसा तकलीफ हो रहा है। और ये पैर से भी अपंग थी, चल नहीं पाती थी। अच्छा, पाँव से चल नहीं पाती अच्छे से? गिर गई थी तो कुछ लग गया था, तो इसकी वजह से ये आकर के रोती थी मंदिर में। बोले हमारा कोई नहीं है, तो हम बोले मंदिर में रह करके बोले कि ऐसा नहीं है, और आपकी हम कथा सुनते थे, इस वजह से हमारा ऐसा हुआ कि। ठीक है, मैया से बात कराइए। मैया बहन के घर गई थी रहने के लिए, तो फिर हाँ। बहन ने नहीं रखा क्या? दो महीना रही। दो महीने रही, अच्छे नहीं रखे वो। अच्छे से नहीं रखे? अच्छे से नहीं रखा। नहीं। कैसे अच्छे से नहीं रखा? बेटा बोलता था कि भाई हमारा रूम छोटा सा है, कब जाओगी वृंदावन अनाथ आश्रम में? अब ये जो ये परिवार से हमारा संबंध खराब हो गया, आप रहती हो तो यार ऐसे बोले। बहन के बेटे ने बोल दिया कि आप जाओ वृंदावन, और मैया का कोई नहीं है, तो पुजारी जी लेके आए हैं। देखिए, भारत के कोने कोने से। मैया आप कहाँ से हो? नागपुर से। नागपुर से, तो आपका यहाँ रहने का कोई पैसा तो नहीं लिया हमने? नहीं नहीं, नहीं। कोई शुल्क तो नहीं लगा? नहीं नहीं। आज ही आप आई हैं? कल से आई। कल से, तो ये माँ का एक भी रुपए शुल्क नहीं लगा। मंदिर में झाड़ू पोछा करके गुजारा करती थी, कोई सहारा नहीं। इन बेसहारा माओं का सहारा बनाने के लिए ही भगवान ने यह दास अनिरुद्ध को इस संसार में भेजा है। जाओ इन माओं की सेवा करो। अब देखो, आप लोगों से जब दो रोटी मिलती है तो वो रोटी हम अकेले नहीं खाते, ना माओं में बांट कर खाते। इसलिए कहता हूँ कि इन माओं की सेवा के लिए आप सबको अपने इन हाथों को बढ़ाना चाहिए। इन माओं का अपना कोई होता तो ये यहाँ क्यों आती? कोई यूं ही थोड़ी घर छोड़ता है, मजबूरी है। बहनों के घर भी कब तक रहेंगी? कौन भला कब तक रखता है, कौन कब तक खिलाता है? वो तो भगवान ने दास पर कृपा की। आप सबका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग है कि गौरी गोपाल में ये 280 माताएं थीं, आज 281 माताएं हो गईं। ये माँ भी जुड़ गईं। मैया बाप यहीं रहिएगा, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। हम सब आपके बेटा हैं। क्यों? आधा घंटा ज़्यादा काम करना ये सोच करके आपकी एक माता गौरी गोपाल आश्रम में। इन माओं की सेवा क्या? अच्छा बताओ, अनिरुद्धाचार्य कोई काम करता है कि नहीं करता? काम करता है?
काम करना पड़ता है ना साहब, 281 माएँ हैं तो काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के होगा। इसलिए आप सब अब बताओ, ये माओं की सेवा यदि अब यहाँ हो रही है तो क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? क्या ये देश की सेवा नहीं है? सावन का महीना है, शंकर जी शिवलिंग की सेवा हो, भगवान शिव की सेवा हो, पर इन माओं का सहारा बनेंगे तो भगवान शिव जरूर प्रसन्न होंगे कि आप किसी का सहारा बने। इसलिए सबसे बड़ा रुद्राभिषेक तो ये है कि इन माओं की सेवा का सहयोग किया जाए। आप सब इन माओं को भोजन दे सकते हैं, इन माओं के लिए ये गौरी गोपाल आश्रम का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण में आप निर्माण कार्य में ईंट का, सीमेंट का, टाइल का, पत्थर का, चौखट का, खिड़की का, दरवाजे का, इन माओं के लिए इतना बड़ा आश्रम बन रहा। अब देखिए ये माँ आई, अब बताओ ये जरूरतमंद माता है कि नहीं? उत्तर दो। ऐसी जरूरतमंद माओं के लिए दरवाजे खुले हैं, पर अब जगह थोड़ी बची है आश्रम में, पूरा भरा है माताओं से, इसलिए तो ये बनाना पड़ा। अब बनाना पड़ेगा तो उसमें खर्चा तो लगेगा, इसलिए अपनी अपनी कमाई का कुछ 1% 2% सेवा से जोड़ते रहो सदा, ताकि आपको माँ की सेवा का आशीर्वाद मिल सके, दुआएं मिल सके। इन माँ के लिए आप एक माँ को गोद लीजिए कि मैं एक माँ का सहारा बनूंगी या बनूंगा। यहाँ माँ की सेवा के साथ मैया आप यहीं रहिए प्रेम पूर्वक, यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं लगी? आप खुश हैं यहाँ? नहीं। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ अच्छा लगा जो भी आपने देखा? बहुत अच्छा लगा। अब आपका, आप ये मत कहना अब कभी कि आपका बेटा नहीं है, अब ये दास अनिरुद्ध, हम सब आपके बेटे, आप हो, हम सब आपके बेटे बनकर अपनी माँ की सेवा करेंगे। यहाँ पर संतों का भोजन बढ़ता है, संत लोगों के लिए अन्न क्षेत्र चलता है, आप भी अन्नदान बच्चों के नाम का करो। अखंड रसोई चलती है, आप भी एक दिन की रसोई बंटवाओ। यहाँ पर गायों की सेवा, आप भी गाय की सेवा। विद्यार्थियों की सेवा, आप भी एक बच्चे को शिक्षा देने के लिए आगे आओ। बच्चों का आप ड्रेस बनाओ, क्या हमारी तरफ से बच्चों को कपड़े। अब 150 विद्यार्थी हैं, एक एक सेवा आप लोग ले लो कि हमारी तरफ से एक बच्चे को पढ़ाया जाए, हमारी तरफ से बच्चों को ड्रेस हम देंगे, पुस्तक हम देंगे। खर्चे तो लगते ही हैं, चाहे आप दो या मत दो, पर आपका सपोर्ट जरा मिलता है ना तो काम आसान होता है। कार्य तो करना ही है, करने वाले तो भगवान है, हमारा भी धन लग जाए तो पावन हो जाता है। इसलिए आप भी किसी बच्चे को गोद लो, आप भी किसी बच्चे को शिक्षित करने में सहयोग करो। गायों को भूसा चारा एक गऊ दान करो, आपकी ओर से एक गाय गौरी गोपाल में रहे। एक दिन की रसोई आप बंटवाओ कि हमारी तरफ से संतों को, भक्तों को भरपेट भोजन मिले।